जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने पब्लिकली अपनी असेंबली में खड़े होकर ये बयान दे दिया कि भारत जो है वो उसकी इंटेलिजेंस रियासी लेवल पे उनके मुल्क में मौजूद शहरियों की जिंदगियों के साथ जो है वो खेल रहा है। भारत जो कि आलमी सतह पर जमहूरियत का अलमबरदार बनता है, वो किस तरह से किसी मुल्क की सालमियत को क्रॉस करते हुए मावराए अदालत एक शहरी का कत्ल कर सकता है। और भारत इतनी बड़ी गुंडागर्दी करने के बावजूद जो है वो बहुत मजे से जो है वो यूएन की जनरल असेंबली में जाके वो रिपोर्ट मांग रहा है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जिस दिन से ये बयान दिया है कि उनके सिख शहरी के कत्ल में भारतीय इंटेलिजेंस मुलव्वस है, उस वक्त से भारत और कैनेडा के दरमियान टेंशन अब जो है वो वर्ल्ड लेवल पर नजर आ रही है। और खुसूसी तौर पर कैनेडा को अपने जो वेस्ट अलायंस हैं उनकी उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल पा रही। तो क्या इंडिया इतना ताकतवर है कि कैनेडा के इतने बड़े इल्ज़ाम के जवाब में भी वो एक आलमी लेवल पे गुंडागर्दी का मुजाहरा कर रहा है, और कैनेडा के अपने इत्तेहादी जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दुनिया की बेहतरीन जो इंटेलिजेंस शराकत है फाइव आइज, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट इन तमाम ममालिक इंटेलिजेंस ने मिलकर बनाई थी, तो फिर जो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि यूँ तो कैनेडा के अलायंस कहलाते हैं, वो ख़ासतौर पर अमेरिका, वो क्यों इस मामले में कैनेडा का खुलकर साथ नहीं दे रहे। इस सारी सूरत हाल पर आज की वीडियो में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैनेडा की आबादी का प्रेशर है या फिर जो है वो यूएस और कैनेडा जो आपस में अलायंस हैं वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस सारी सूरत हाल का पाकिस्तान पे किस तरह से असर पड़ रहा है। मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, कनाडा में जब सिख शहरी हरदीप सिंह का कत्ल हुआ तो इस पर इंटेलिजेंस ने अपना काम शुरू कर दिया, और उसके बाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो कि दुनिया की बड़ी जो फाइव आइज इंटेलिजेंस की शराकत है, इंटेलिजेंस की तंजीम है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें ये पता चला कि जो भारतीय इंटेलिजेंस है रियासी लेवल पर वो इन्वॉल्व है हरदीप सिंह के कत्ल में। और इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि वो शख्स जो सिख कैनेडियन शहरी था वहाँ का, वो बेसिकली जो इंडिया में एक बागी तहरीक चलती है उसका सरगर्म रुकन भी था। तो ये सारी सूरत हाल डेवलप हुई और फाइनली ये हुआ कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने पब्लिकली अपनी असेंबली में खड़े होकर ये बयान दे दिया कि भारत जो है वो उसकी इंटेलिजेंस रियासी लेवल पे उनके मुल्क में मौजूद शहरियों की जिंदगियों के साथ जो है वो खेल रहा है। इस बयान के बाद जो है वो यूएस डिप्लोमेट की जानिब से ये तस्दीक भी की गई कि ये रिपोर्ट सिर्फ कैनेडा के इंटेलिजेंस की नहीं है बल्कि दुनिया का जो फाइव आइज इंटेलिजेंस सिस्टम है, इस पर हम तफसीली एक और वीडियो भी बनाएंगे कि फाइव आइज इंटेलिजेंस काम कैसे करता है और इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, ये हम आपको बता देते हैं। इसमें अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और कनाडा शामिल हैं। इन पांचों ममालिक की जो इंटेलिजेंस है वो आपस में शराकत करती है और मिलकर ये अपनी जो सफारती लेवल पे सिक्योरिटी को भरपूर तरीके से कंट्रोल करने के लिए ये अपनी इंटेलिजेंस का तबादला करते हैं। तो इस इंटेलिजेंस जो एक ग्रुप था इसने ये रिपोर्ट बनाई और इसकी तस्दीक यूएस डिप्लोमेट ने खुद की जो कि कनाडा में सफीर थे अमेरिका के डेविड कॉन, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू देते हुए तस्दीक की कि ये रिपोर्ट जो है वो फाइव आइज इंटेलिजेंस की थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में भारत पे सवाल उठने लगे कि भारत जो कि आलमी सतह पर जमहूरियत का अलमबरदार बनता है, वो किस तरह से किसी मुल्क की सालमियत को क्रॉस करते हुए मावराए अदालत एक शहरी का कत्ल कर सकता है, चाहे वो उनके मुल्क में किसी तहरीक का सरगर्म रुकन क्यों ना हो। इस पर जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी टेंशन भी डेवलप हुई और पूरी दुनिया में जो है वो भारत को सवालिया नज़रों से देखा जा रहा था, स्पेशली जब वो G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो होस्ट कर रहा था और पूरी दुनिया में अपना इमेज बेहतर करने के लिए कभी मुगल बादशाह अकबर की तारीफ करता है और कभी मुस्लिम हुक्मरानों की जो है वो मिसालें देता है। भारत अपना इमेज जो है वो बेहतर करना चाह रहा था, लेकिन ये वाकया भारत के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हर्जा सराई का बायस बना पूरी दुनिया में। लेकिन एकदम से एक जादुई जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर सफारती लेवल पर तब्दीली उस वक्त देखी गई जब फाइव आइज इंटेलिजेंस की तस्दीक के बाद भी जो कैनेडा के अलायंस थे अमेरिका, उसके साथ साथ जो है वो बरतानिया, दिगर ममालिक जो है वो उस तरह से खुल के भारत की मजम्मत करने को तैयार नहीं थे। और उसके साथ ये भी देखा गया कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट तो किया कि भारत जो है वो इन्वॉल्व है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुरुस्त है, लेकिन इसकी बड़े लेवल पर उन्होंने मजम्मत नहीं की। तो ये समझने के लिए आपको दुनिया की मुआशी जो सूरत हाल है उसको समझना होगा कि दुनिया में अलायंस जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर कोई छोटा मुल्क आपका अलाय है लेकिन एक बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क जो है वो आपका वहाँ पर मुआशी इंटरेस्ट है, तो फिर आप अपने अलाय का साथ नहीं देंगे, और यही अमेरिका ने किया।
अमेरिका भारत को एक बड़ी मुआशी मार्केट के तौर पे देखता है, कनाडा की निस्बत उसकी आबादी 35 गुना ज़्यादा है, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से अमेरिका जो है वो अपने एक छोटे से अलाय मुल्क को बचाने के लिए या उसकी अलायंस बरकरार रखने के लिए या किसी भी किस्म की अगर वो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं या जो भी करते हैं तो इसको बचाने के लिए वो इतनी बड़ी अपनी मुआशी मार्केट को कैसे जो है वो इग्नोर कर सकता है, तो ये भी एक सवाल उठता है। और उसके साथ ही साथ आज कल में जो बयान आया है यूएन की जनरल असेंबली में भारतीय वजीर खाजा जे शंकर का, उन्होंने बाकायदा सवाल किया है कि फाइव आईज को आप ऑन कर रहे हैं, ये पांच ममालिक की इंटेलिजेंस कह रही है कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की कहती है कि कनाडा में जो सिख शहरी कत्ल हुए हैं उसमें भारतीय इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा है कि हमें प्रूफ दें, वो रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करें, ये यूएन की जनरल असेंबली में मांगी गई है। तो यूएन की जनरल असेंबली में जब ये रिपोर्ट मांगी जाती है तो अब कनाडा पे हर तरफ से प्रेशर डेवलप हो गया है, और ना सिर्फ जो है वो अमेरिका बल्कि उसके दूसरे अलायंस भी जो कि फाइव आईज की जो है वो इंटेलिजेंस को शेयर करने के जिम्मेदार भी हैं, वो भी अब पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। और जब ये सवाल जो है वो अमेरिका के जिम्मेदारान से किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आखिर वो किस तरह से, स्पेशली जो बाइडन से भी ये सवाल हुआ कि वो इस बयान को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने इंडिया की तारीफ की, उसकी मजम्मत नहीं की। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस सारे सिनेरियो को देखते हुए कि अब आप भारत को उस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। सेंट्रल एशिया में वो एक बड़ी कुव्वत बन चुका है, ना सिर्फ मौशी तौर पे बल्कि इंटेलिजेंस के तौर पे और सफारती लेवल पे भी। इवन अमेरिका जैसा मुल्क कैनेडा की तरफ से इतना बड़ा इल्ज़ाम, कैनेडा जो कि ऑलरेडी इंटेंशन है चाइना के साथ, वहाँ भी उसके बहुत से मसाइल चल रहे थे, लेकिन क्योंकि कैनेडा का जो हजम है वो छोटा है, उसकी आबादी कम है, तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगने के बावजूद भारत को वेस्ट से वो जो है वो इख्तलाफ सामने नहीं आ रहा, उस तरह की मजम्मत वेस्ट से सामने नहीं आ रही जिस तरह की आनी चाहिए थी। अगर यही मामला अमेरिका का होता तो फिर सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। तो इन शॉर्ट के पूरी दुनिया का जो सिस्टम है तो वो आपकी मौशियत पर डिपेंड करता है, कहीं कोई अलाइज, कहीं कोई जो है वो आपका साथी मुल्क, कहीं कोई हमसाया मुल्क काम नहीं आता, जिस तरह से कैनेडा के काम इस वक्त अमेरिका नहीं आ रहा बल्कि भारत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। और भारत इतनी बड़ी गुंडागर्दी करने के बावजूद जो है वो बहुत मज़े से जो है वो यूएन की जनरल असेंबली में जाके वो रिपोर्ट मांग रहा है। लेट्स सी कि अब वो रिपोर्ट जो है वो फाइव आईज इंटेलिजेंस अलाउ करता है शेयर करने के लिए या नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ कनाडा की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उसमें पांच ममालिक जो कि इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं उन सब की बाहमी रजामंदी से वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाएगी। लेट्स सी होता क्या है, लेकिन फिलहाल कनाडा और इंडिया के दरमियान ये टेंशन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भी इख्तियार कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना के साथ टेंशन के दौरान अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया था, लेकिन इंडिया से पंगा लेने पर कनाडा को शायद मुँह की खानी पड़ेगी।